शिवा युवा क्लब छतरौली के सौजन्य से वीरवार को लोहड़ी पर्व पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड नियमों के पालन करते हुए युवाओं ने 6 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। इस प्रतियोगिता में सोल्डा के रवि राणा ने प्रथम स्थान, संजय कुमार धार पठानकोट ने दूसरा स्थान व पंकज कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त कर खिताब जीते। मैराथन का शुभारंभ रंजीत बख्शी जनकल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने बतौर मुख्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर किया, तो दौड़ के समापन पर नूरपुर के प्रमुख समाज सेवी सभ्य लोहटिया ने प्रतियोगिता के विजेता रवि राणा को 2500 रुपए की नगद राशि, स्मृति चिन्ह व एक ट्रैक सूट, दूसरे नंबर पर रहे संजय कुमार को 1500 की नगद राशि, खेल शूज व स्मृति चिन्ह, तीसरे नंबर पर रहे पंकज कुमार को 500 की नगद राशि, एक कलाई घड़ी व स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। वहीं दौड़ में पहले 12 स्थान पर रहे प्रतिभागियों को क्लब द्वारा स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कार दिए गए। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अखिल बख्शी व सभ्य लोहटिया ने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया और युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर पंचायत उप प्रधान सरिता देवी सहित युवा क्लब के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। जैसा कि हमारे गांव में आज मैराथन रखी हुई छतरौली में, हमारा गांव बड़ा ही खुशहाल है और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारे युवा बच्चों ने ये नया काम शुरू किया और हमें इस काम में बड़ी अड़चने पैदा हुई है, पर हमने फिर भी इस काम को मिलजुल कर बढ़ावा दिया है, तरक्की की है हमने। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं आगे भी ऐसे ही सालों साल, मतलब कि 13 जनवरी को यही सालों साल बढ़ोतरी में काम होगा इसका, मैराथन का। और जो बच्चे हमारे शिक्षक हैं, जैसे कि किसी ने PhD की है हमारे बच्चे बच्चियों ने, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी और मैं तो इनाम भी दूँगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सभी बच्चे जो हैं इनको आगे प्लेग्राउंड की भी ज़रूरत है वॉलीबॉल की, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ही समय में इनका प्लेग्राउंड का भी प्रबंध किया जाएगा, इनको किटें भी दी जाएंगी ताकि ये नशे से बचे रहे हमारे बच्चे और आगे तरक्कियाँ करें। मैं तो कहती हूँ कि भगवान इनकी लंबी आयु दे और कामयाबी जो है इन्हें हमारे नए आने वाली युवा पीढ़ी की वो तरक्की दे। इसी के साथ धन्यवाद। यूथ क्लब छतरौली की तरफ से आज एक मैराथन का ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर, जहाँ छतरौली से लेकर ड्यूरा तक ये बच्चे दौड़ेंगे और यहाँ पर वापस आने के बाद जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आज सुबह यहाँ पर आए और इस मैराथन को हमने फ्लैग ऑफ किया। इन बच्चों का उत्साह जो है, इनका जो एक डेडिकेशन है, एक समर्पण है अपने काम की तरफ, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि जितने भी बच्चे हैं वो धीरे धीरे नशे को छोड़कर और इस तरह की एक्टिविटीज़ में, इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ वो आगे बढ़कर अपने साथ साथ और लोगों का भी भविष्य निर्माण कर सके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।